any extent to make his child's dream come, as well as his society also, people around him who are staying in that locality. जो फिल्म धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, वो फिल्म और एक ऐसा भी मुद्दा टच करती है जो बहुत ही काफी लोगों को अलग-अलग दृष्टि से देखने पर समझ आता है कि कैसे चल रहा है आगे. तो कुछ there are some anti-social elements who are trying to take advantage of his sincerity. और फिर उसको कैसे हम आगे हैंडल करते हुए बढ़ते हैं और फिल्म एक अल्टीमेट अंजाम तक पहुंचती है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा. डायरेक्टर विल टॉक मोर अबाउट इट. सो एनीवे आई पास माय दिस माइक टू नरेंद्र जी फर्स्ट एंड आई वुड लाइक टू हियर, आई थिंक एवरीवन वुड लाइक टू हियर मोर अबाउट द फिल्म एंड हिज रोल फ्रॉम नरेंद्र जी. थैंक यू वेरी मच. इन फैक्ट दिस हैज बीन a magnificent experience for me, right from the day one when Sajjad called me and said that, you know, like, this is a character and this character I want you to play, because if you don't have dates, then maybe, you know, like, even if I have to wait for another 6 months or 6 years, I'll wait, but you will do this character. The character, as he said, that is basically, you know, somewhere this is based on real life incidents. And he's basically, you know, an engineer working with the PWD department, Public Works Department. But in the course of time, in fact, you know, like, for an honest, officer, for an honest employee, you know, किस तरह की परिस्थितियाँ उसकी ज़िंदगी में आती हैं और उन परिस्थितियों से कैसे वो जूझता हुआ अपनी ईमानदारी, वो चाहे अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने देश के प्रति, वो कैसे उन सब चीजों को मेंटेन करते हुए फाइनली नो आई कैन लुक एट यू आई एम नॉट गोइंग टू रिवील व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस फाइनली बट दिस इज रियली एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकता बिकॉज यू नो थोड़ी सीक्रेसी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी बट इट हैज बीन अ मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. ऑल द वेरी बेस्ट मिस्टर सज्जाद, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन इन्वॉल्वड इन द फिल्म. थैंक यू. इस फिल्म के बारे में एक और बहुत ही स्पेशल बात है जो मैंने अभी प्रमो देखा है. पिक्चर हैज बीन द फिल्म हैज बीन शॉट इन कश्मीर एंटायर और बहुत ही खूबसूरत एक एक सीन एक एक इनफैक्ट शॉट टेकिंग जो है वो देख एक्चुअली सबसे पहले तो पूरी टीम सभी आने वाले लोगों को सबको थैंक्स मेरा. फिल्म के बारे में बहुत ही कम कहूंगा. बेसिकली हम सब के फादर होते हैं, हम सब के सन होते हैं, तो हम तो उसके अकॉर्डिंगली एक छोटी सी कहानी है एक बाप और बेटे के बीच ग्रोइंग रिलेशनशिप के बीच में. एक म्यूजिकल फिल्म है जिसमें हमने यंग म्यूजिक एक ग्रोइंग कपल पे हमने यू मतलब पिक्चराइज किया है. बहुत ही बेहतरीन गाने हैं, बहुत ही प्यारी कहानी है और उसके साथ एक इमोशनल मुद्दा है जो मैं रिवील नहीं कर सकता जो फिल्म के लुक्स में आपको जो सब दिखेगा. बाकी मैं केक कटिंग से पहले मेरी पूरी टीम, मेरी प्रोडक्शन टीम, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर अपने बीगो जी हैं. कोई दिक्कत नहीं, मैं बुला देता हूँ. बीगो हैं, वरुण अग्रवाल हैं, वरुण अग्रवाल हमारे एपी साहब जल्दी आ जाइए ताकि हम लोग जल्दी मैं बहुत बहुत फास्ट करता हूँ सर. कुमार यकीन ट्रेलर के बाद थोड़ा थोड़ा तो क्रिएटिव लोगों को लुक्स पता चली जाते हैं. म्यूजिक बहुत बेहतरीन है हमारे. एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक हमारे हमारा इसमें सैड सॉन्ग है, एक थोड़ा सा हैपनिंग एक्साइटिव सॉन्ग है. बाकी हमारे बीच मैं एक खास बात कहना चाहूँगा, मेरे गेस्ट हैं जो फिल्म के एक्टर हैं और वो जम्मू से मतलब स्पेशली हमारे इस इवेंट के लिए हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं जे एंड के मिस्टर बाबू सिंह जी जो मेरे साथ ही खड़े हैं और हम लोग सेम डिस्ट्रिक्ट से भी हैं लेकिन मैं भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया क्योंकि जे एंड के में शूटिंग करना इट्स लाइक वेरी टफ बट इनकी सपोर्ट की वजह से और हमारी पूरी टीम की सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने एक प्यारी सी फिल्म बनाई है. बाकी अब हमारे होस्ट कहना चाहेंगे. जय श्री कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. हिज कंपनी एंड हिज सन्स नेम इज यश. कैन आई हैव यश आल्सो हियर? यश कैन यू कम प्लीज. एक्चुअली अभी आप थोड़ा सा हमको और बताइए इस फिल्म को चुनने के पीछे आपका क्या आइडिया था और जैसे कि पूरा फिल्म इज बेस्ड ऑन फादर एंड सन बॉन्डिंग तो आपके डेफिनेटली यू नो जितना भी अच्छे से अच्छा आपका एक माइंड सेट हो सकता है मेरे ख्याल में हमको दिखाई दिया है इसके अंदर और उसी के बारे में आप भी बताइए तो फिर कैसे आप
सुजात से मिले और कैसे आपने इस प्रोजेक्ट को चुना और आपने एक्टिंग भी की है इसके अंदर, तो उस रोल के बारे में जरूर बताइए। सुजात जी ने मुझे स्टोरी जब बताई तो मैंने उसको स्टोरी को सुना बराबर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सब्जेक्ट जो था वो फादर और सन का, तो मैं भी मेरा भी सन है यश, तो मैंने स्टोरी को देखा तो उसमें काफ़ी मैं अट्रैक्ट हुआ स्टोरी के बारे में। और जब उन्होंने लोकेशन की मुझे बात की जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, तो जब लोकेशन मैंने दिया मतलब उन्होंने हमने रेखी की लोकेशन की, तो काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव सब्जेक्ट था और स्टोरी जो उन्होंने बताई वो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव थी, तो मुझे ये तब मैंने डिसीजन लिया कि भाई नहीं ये चीज़ में आगे बढ़ा जाए, तो फिर हम लोग ने ये मूवी बनाई और काफ़ी कुछ जो मूवी के जो मेन जान है मिस्टर नरेंद्र झा, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है और हमारा डे फॉर से जैसे नरेंद्र जी ने बताया हम लोग का ये टारगेट था कि नरेंद्र जी ये मूवी में अगर काम करेंगे तो ये मूवी को 4 चांद लग जाएंगे, तो नरेंद्र जी ने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे को डेट दी और हमारा टाइम टू टाइम हमारा शेड्यूल में हमारा शूटिंग कम्प्लीट हुआ और अभी ये मेरी फर्स्ट सोलो मूवी है। ऐसे तो मैंने और भी 2-3 मूवी बनाई है लेकिन उसमें एक गुजराती मूवी है एक जो अभी रिलीज होगी लास्ट 2 दिन मैंने पहले, काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल मूवी थी और एक हमने हिंदी की बच्चे लोग की मूवी बनाई वो भी हम रिलीज़ करेंगे ये मंथ के एंड में ये वर्ष ये साल के एंड में। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और सुजात जी और ये पूरी जो टीम है वो काफ़ी उन्होंने बहुत ही सपोर्टिव थी और काफ़ी यंग टीम थी और डे वर्ष से उन्होंने सब डे टू डे शेड्यूल वाइज जो हम लोग ने सोचा था हम लोग ने 15 दिन का शेड्यूल सोचा था उसको और कंटेंट इज़ वेरी गुड अबाउट मूवी। My vision is to take Yash Corporation to another level where there is good movies and good content in it. So that's what I would like to say. But thali apni zarur hai. Yash pura team ke liye, Sudhar ke liye, Sahar ke liye bhi bahut saare hai. Aap bahut support kar rahe hain, thank you very much sir. Aur sab ke liye bhai. Ek pura gana yun batayenge to zyada maza aayega. Do line se uska theme hi kaat le. Ye pura film mein utna khoobsurat theme hai. Ye cut le. बोलो
नीचे हो, नीचे हो, नीचे और नीचे। अरे आगे बताओ कोई भी यार, सावधानी भाई साहब, आगे बताइए कोई दूसरा, कवर रखो कैमरा, बहुत आगे डाल दिए क्या करे लोग कैमरा। दुखी परिवार, अरे कौन पीछे करेगा, एक सेकंड और थोड़ा पीछे था भाई लोग, भाई साहब आपका पेट थोड़ा फ्रेम में अंदर जाओ और पीछे, हाँ क्या लोग कैमरा, चलो पवन भाई ले लो आप, क्या लोग कैमरा, वो क्या लोग क्या माय डियर, वेट वन मोर फिर मांगे मोर क्या पकने, पवन भाई आपके डायलॉग बंद करो, आई डोंट लाइक झोल पट्टी, आई एम लोकल वाला, थैंक यू।